Hello and welcome back to Sessions with Travelo Academy. Today is a very different topic. आज का टॉपिक जो है ना वो नॉर्मल टॉपिक से बहुत अलग है. हम लोग AMADEUS की काफ़ी सारी चीज़ें कर चुके हैं, आईटा क्या सीखने वाले हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है सबके साथ कि सस्ता प्राइस कैसे निकालें. मतलब अगर हमारी ट्रैवल एजेंसी नहीं है, अगर हम नए एंटर हुए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो काफ़ी बड़ी बड़ी पुरानी कंपनीज चल रही है, उनके पास बहुत सस्ता प्राइस होता है. जिनके पास आईटा का सर्टिफिकेट होता है वो मतलब खुद भी टिकट इशू कर लेते हैं और हमको टिकट इशू करवाने के पैसे देने पड़ते हैं. तो और कोई तरीका नहीं है क्या सस्ता प्राइस निकालने का? मतलब सिर्फ सीट तोड़ के ही क्या हम, बिकॉज वी से दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, सीट तोड़ना, ब्रेक करना, हैक करना और अनएथिकल वे से हम ये चीज़ करते हैं, विच इज़ फाइन, बट क्या और कोई तरीका नहीं है कि हम सस्ता फेयर निकाल पाएँ? तो इसका आंसर है कि और देख, जब भी कोई लॉ बनता है उस लॉ को किस तरीके से मिसयूज करना है वो भी उसके साथ ही बन जाता है. वैसे ही AMADEUS में, ट्रैवल में, हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी जितनी भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर हम उसको बहुत डिटेल से समझें तो वहां पर भी बहुत सारे लूप होल्स निकल जाते हैं और उसको हम फायदा उठा करके हम यूज कर सकते हैं इन डिफरेंट सिचुएशंस. आज हम ऐसी ही एक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे और देखो आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम सस्ता फेयर निकाल सकते हैं. बहुत सारे सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप उसको यूटिलाइज करके सस्ता फेयर निकाल सकते हो. सिर्फ वो जो हमने AMADEUS के अंदर एक पूरा सेशन किया है FXD FXR वाला, जो तीन सेशंस हैं, उसके अलावा भी और तरीके हैं कि आप कैसे सस्ता फेयर निकाल सकते हो. सो आज उसी के बारे में बात करते हैं. पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक द वीडियो एंड यू कैन शेयर इट विद पीपल और बेल आइकन दबा लो ताकि आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए. और आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ दोज हु हैव गॉट जॉब आफ्टर वॉचिंग वीडियोज एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोग जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उसके बाद आई सी दैट दे हैव स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी इनिशियली. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कुडोज टू ऑल ऑफ देम. और अगर आप भी चीज़ें सीखना चाहते हो, आई वुड एडवाइज यू कि हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं, आप वो प्ले लिस्ट देख सकते हो. अगर आप लाइव ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप लाइव ट्रेनिंग भी कर सकते हो. इट इज़ फॉर फ्रेशर्स एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर प्रोफेशनल्स. सो दैट यू अंडरस्टैंड थिंग फ्रॉम बेसिक. अगर आप फ्रेशर हो, नए हो ट्रैवल के अंदर, तो आप जो है ट्रैवल को डिटेल में समझ सकते हो. फ्रॉम जियोग्राफी टू आईटा टू AMADEUS, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट कोर्स. और अगर आप जो है यू आर प्रोफेशनल, यू आर वर्किंग ऑलरेडी इन दिस इंडस्ट्री, तो देर इज़ अ कस्टमाइज कोर्स फॉर यू, ताकि आप बाकी लोग जो हैं जो ट्रैवल कोर्स करके आए हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं चीज़ों की, वी कैन कम्पीट विद दैम एंड वी कैन गेट प्रमोशन. सो बेसिकली द आइडिया इज़ दैट द कम्युनिटी शुड ग्रो इधर थ्रू वीडियोज़ और थ्रू लाइव ट्रेनिंग. सो वी हैव 101 लाइव ट्रेनिंग्स. टूवर्ड्स द एंड वी ऑल्सो हैव सेशंस फ्रॉम कामकाज इंडिया, जहाँ पर वो इंटरव्यू के सेशंस देते हैं, बताते हैं किस तरीके से इंटरव्यू पास करना है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो बेसिकली वी ट्राई एंड गिव यू अ परफेक्ट पैकेज, अ कम्प्लीट पैकेज, ताकि आप जो है जब भी आप मार्केट में जाओ, अगर आप एक फ्रेशर हो या फिर आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हो या फिर प्रमोशन का कर रहे हो, तो तीनों केसेस के अंदर आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे. सो उसके लिए भी हम प्रिपेयर हो जाए. और साथ साथ अगर हम प्रोफेशनल हैं, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम स्पेन, फ्रॉम बेल्जियम, फ्रॉम कतर एंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, दे हैव बीन टेकिंग ट्रेनिंग्स एंड दे आर लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स और वो अप्लाई कर रहे हैं अपनी कंपनी में. आई विश देम ऑल द बेस्ट. नाउ अब टॉपिक पे आते हैं. ये बेसिकली इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि ऐसा होता है ना कि अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स बहुत सारे चल रही हैं और इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट आई टू मेंटेन दिस सो दैट वी कैन पुट इन दिस कंटेंट. इस कंटेंट को रेगुलर डालने के लिए देर आर सम फंड्स रिक्वायर्ड. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू कंडक्ट दी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स एंड एट द सेम टाइम हम साथ साथ यहाँ पर भी कॉन्टेंट डालते रहे. अच्छा, अभी आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये थोड़ा सा हट के टॉपिक है और शायद ये आपको हेल्प करेगा अगर आप सेल्स में हो या फिर आप ट्रैवल एजेंसी के ओनर हो. सो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. देखो जनरली क्या होता है ना कि ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कंपनी है स्किप लैग्ड, शायद ये नाम है उस कंपनी का, ये मैंने यहां खुली हुई है, इट इज स्किप लैग्ड. हाँ, इट इज स्किप लैग्ड इस कंपनी का. ये कंपनी 2013 में बनी थी और इन्होंने एक बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट बनाया और ये मैंने एक्चुअली यूज़ भी किया था दो तीन कंपनीज में जब मैंने पहले काम किया था, बट मुझे पता नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आया.
ऐसा होता है कि अगर हम एक फ्लाइट ढूंढते हैं, लेट अस टेक अ रैंडम फ्लाइट, 12 जुलाई हम एक यूएस की फ़्लाइट लेते हैं, जैसे कि यहाँ की फ़्लाइट हम लॉस एंजलिस से शार्लेट की लेते हैं, राइट? इस पैसेंजर को लॉस एंजलिस से शार्लेट जाना है। अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट है, सो लेट्स टेक SS1Y1। हमने अमेरिकन एयरलाइंस की फ़्लाइट उठा ली, राइट? अगर आपको ये नहीं आता, अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप एमडीएस अभी देख रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अ लॉट ऑफ पीपल वो आर नॉट फ्रॉम ट्रैवल लर्नड इट, तो आप पूरे जो है वीडियोस देख सकते हैं, इट विल रियली हेल्प यू। इसका प्राइस हमारे पास आ रहा है 408। एक काम करते हैं, सबसे सस्ता प्राइस देखते हैं शार्लेट का क्या आ रहा है। सबसे सस्ता प्राइस यहाँ का 217 आ रहा है, FXD हमने किया और 217 हमारे पास यहाँ पे प्राइस आ रहा है, ये रहा। और अब इसको हम बुक कर लेते हैं FXZ2 बिकॉज दिस इज ग्रुप 2। ओके, तो अगर आप देखोगे 12 जुलाई को हमारे पास जो प्राइस आ रहा है, इसने FXD किया था, इसने ओंटारियो ले लिया, सॉरी इफ यू सी इट इज दे हैव चेंज्ड द एयरपोर्ट। सो अगर वो LAX था उसको ONT कर दिया। एक काम करते हैं, कुछ नहीं होता, हम ONT हटा देते हैं, विल गो बैक एंड वी विल पिक समथिंग फ्रॉम लॉस एंजलिस ओनली, SS1Y1 उठाते हैं, FXD करते हैं, सबसे सस्ता फेयर निकालते हैं और नीचे आते हैं थोड़ा सा, अमेरिकन एयरलाइंस लॉस एंजलिस से चाहिए हमें फ्लाइट, ओंटारियो से नहीं चाहिए। बेसिकली व्हाट इज ONT, ओंटारियो इंटरनेशनल, राइट? सो लेट्स डू FXD, लेट्स लुक एट मोर फ्लाइट्स और देखते हैं अमेरिकन एयरलाइंस की आ रही। देखो इसमें ना डायरेक्ट जो है वो हमें सबसे सस्ती कौन सी मिलेगी, जो लॉस एंजलिस, ये वाली लॉस एंजलिस से डेनवर, डेनवर से शार्लेट, ये भी है। और कौन सी है जो हम यूज़ कर सकते हैं, लॉस एंजलिस से फिनिक्स, फिनिक्स से शार्लेट, ये नंबर 4 पे जो है ये ज़्यादा सस्ती है। और बाकी जो ये है ये ओंटारियो से निकल रही है। सो लेट्स पिक अप दिस फ्लाइट FXZ4। हमने चौथे नंबर की फ़्लाइट उठा ली, $226 की, मतलब दिस इज़ फ्रॉम लॉस एंजलिस टू फिनिक्स, फिनिक्स टू शार्लेट, और ये सबसे सस्ती फ्लाइट है। अगर हम यहाँ से जाएंगे लॉस एंजलिस से, तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनएक्सपेंसिव फ्लाइट गोइंग टू शार्लेट ऑन 12th of July। सीधा जाना है अगर, तो $400 से ऊपर आ रहा है। अब अगर कस्टमर को शार्लेट जाना है तो उसको इतना महंगा फेयर देना पड़ेगा। और जब मैं नॉन स्टॉप फ्लाइट देख रहा था ना, ये वाली सबसे पहली जो हमने उठाई थी, ये अमेरिकन एयरलाइंस की, जैसे आपने देखी थी, ये यहाँ पे, लेट्स गो बैक टू दिस, हाँ ये वाली फ़्लाइट, इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो 408 था, इट वॉज $408। मतलब दिस फ्लाइट लॉस एंजलिस टू शार्लेट डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम अमेरिकन एयरलाइंस 1871 दैट कॉस्टेड अस $408। हाँ, बाय द वे ट्रैवल अकेडमी इंग्लिश इज ऑल्सो देयर, वहाँ पर आप सारी की सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, इट इज़ इन इंग्लिश एंड इट इज़ फॉर पीपल जो रिक्वेस्ट किया था, तो आप वो भी जो है एक बार यू कैन, इट इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन ज्वाइन द चैनल, यू कैन सब्सक्राइब इट ऑल्सो। नाउ इफ यू सी कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस सबसे सस्ता FX आ रहा है, इसको मैं उठा करके ना कहीं पे लिख लेता हूँ, $226, ठीक है, दिस इज $226, डन। अब हम एक काम करते हैं, एक और तरीका निकालते हैं इसको इस प्राइस को निकालने का। यहाँ पे हम लोग 12 जुलाई की फ्लाइट देखते हैं लॉस एंजलिस से, लेट्स से कोई सिटी USA की, यूनाइटेड स्टेट्स की कोई सिटी हम देखते हैं, जैसे कि जो थोड़ी सी दूर है, मतलब लॉस एंजलिस जो है ना, ये आपका पड़ता है वेस्टर्न बॉर्डर पे पड़ता है, एकदम वेस्ट पे, और हम एकदम ईस्ट की तरफ जाते हैं। लेट्स से न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं, न्यूयॉर्क सिटी अमेरिकन एयरलाइंस की ही फ़्लाइट देख लेते हैं अगर हमारे पास आती है कोई। लेकिन एक कैच है, वाया शार्लेट, अभी आपको पता रहेगा कि हम करने क्या वाले हैं। लेट्स टेक दिस फ्लाइट, दिस इज फ्रॉम लॉस एंजलिस टू शार्लेट, शार्लेट टू EWR इज न्यूयॉर्क लिबर्टी। FXR करते हैं, $126, यू सी दिस, लुक एट दिस,
अभी हमने इसे पहले वाली फ्लाइट कौन सी देखी थी, जो सबसे सस्ती आ रही थी ना पूरे दिन की, पूरे दिन की सबसे सस्ती फ्लाइट जो थी 12 जुलाई की, जो फ्लाइट लॉस एंजलिस से शार्लेट जा रही थी, वो थी $226। कितना था एक बार यहां डालते हैं, $226 की। यहां पे लॉस एंजलिस से शार्लेट, शार्लेट से न्यूयॉर्क लिबर्टी, मतलब शार्लेट नहीं जा रहा वो, शार्लेट से आगे जा रहा है, लॉस एंजलिस से शार्लेट, शार्लेट से न्यूयॉर्क लिबर्टी, और वो आ रहा है $126। लुक एट दिस प्राइस, मतलब उससे आगे जा रहा है और फिर भी उसका प्राइस कम आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको क्लासेस जो है थोड़ी सी नीचे कर देते हैं, जितना आप आगे जाओगे, जितना आप दूर जाते हो, एयरलाइंस कई बार क्लासेस कम कर देती है। प्लस जहां पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, जहां पर ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं, उसका प्राइस अलग होता है, जहां पर कम लोग ट्रैवल करते हैं उसका प्राइस अलग होता है। कई बार क्या होता है ना, जहां पर लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं वहां पर प्राइसेस थोड़े से कम रहते हैं, बिकॉज वहां पर कंपेटिटिव उनको रहना होता है बाकी की जो एयरलाइंस है, और जहां पर आप आपकी डोमिनेंस है, यहाँ पर आप जाते हो, कम फ्लाइट्स जाती हैं, कम लोग जाते हैं, वहाँ का प्राइस ज़्यादा होता है। इट इज़ जस्ट डिमांड एंड सप्लाई। अब शार्लेट अगर हमको सीधा जाना है तो शायद वहाँ पर इतने सारे लोग नहीं जाते होंगे जितने लोग न्यूयॉर्क जाते हैं। तो न्यूयॉर्क जो है लॉस एंजलिस से काफ़ी सारे लोग जाते हैं, ज़्यादा फ्लाइट्स होती होंगी, और एयरलाइन को है कि इस फ्लाइट को हमें सस्ता बेचना है, तो वहाँ पर वो अपनी नीचे वाली क्लास को छोड़ देती है, रिवील कर देती है, मतलब 61674 जो फ्लाइट नंबर है इसकी क्लास क्यू उसने खोल दी है इस सेक्टर के लिए। सीट जो तोड़ते हैं ना उसके भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इसी के आसपास होता है, लेकिन ये हम अलग तरीके वाले, अलग तरीके से हम सस्ता प्राइस निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास प्राइस आ रहा है 126, बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क नहीं जाना, हमें लॉस एंजलिस से जाना है शार्लेट, और शार्लेट जो है ना यहाँ एक्स लगा हुआ, एक्स का मतलब है ये ट्रांजिट पॉइंट है, यहाँ का स्टॉप ओवर नहीं है। स्टॉप ओवर क्या होता है, जहाँ पर आप रुकते हो 24 घंटे से ऊपर, या फिर अगर हमारी डेस्टिनेशन भी शार्लेट होता तो समझ आता, लेकिन यहाँ पर ये वाया पॉइंट है। इसका मतलब ये हो गया कि कस्टमर अगर फ्लाइट में बैठ रहा है लॉस एंजलिस में तो वो शार्लेट रुकेगा, और शार्लेट से वो न्यूयॉर्क लिबर्टी जाएगा, तो यहाँ पर मतलब वो प्लेन चेंज करेगा, 1674 से चेंज करके 2718 पे जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर ये पैसेंजर लॉस एंजलिस से जैसे शार्लेट पे उतरा, उतरते ही वो फ्लाइट चेंज ना करे और वहीं से एयरपोर्ट से बाहर चले जाए, तो क्या इस कस्टमर ने करीब $100 एग्जैक्टली बचा नहीं रही अपने? $100 मतलब करीब 7500 या 8000 रुपए के आसपास होता है। तो $100 आपने सिंपली बचा लिए। कैसे बचाए आपने? क्योंकि आपने फ्लाइट जो है वो लॉस एंजलिस से शार्लेट की देखी तो 226 की आ रही है, लेकिन जब आपने लॉस एंजलिस से सीधा न्यूयॉर्क की देखी तो, और वाया शार्लेट डाला हमने, लेकिन वहाँ पे एक्स CLT डाला था, यहाँ पे अगर आप देखोगे वो इसीलिए डाला था कि फ्लाइट जो है वो शार्लेट से हो करके जाएगी, और हम वहाँ पे उतरे, चेंज नहीं किया हमने, हम वहाँ से सीधा बाहर चले गए, और वहाँ से हम लोग वी कैन ट्रैवल। अब देखो ये जो मैंने आपको भी बताया ना, ये इसको कहीं ना कहीं आप कहते हो स्किप लैग्ड, मतलब स्किप लैगिंग कहते हैं इसको, इस प्रोसेस को, कि जब आप एक जगह पे आपका डेस्टिनेशन कुछ और होता है लेकिन आप कहीं और से होकर के चले जाते हो, मतलब जहाँ आपका डेस्टिनेशन है वो शार्लेट है, लेकिन आपने डेस्टिनेशन जो है ले लिया न्यूयॉर्क, और शार्लेट पे आप उतर गए, क्योंकि यहाँ का फेयर अगर इस राउटिंग से आप फेयर ले रहे हो तो जो फेयर है वो बहुत सस्ता आ रहा है, एंड दिस इज व्हाट इस स्किप लैगिंग। ये जो वेबसाइट है अगर आप देखोगे, ये वेबसाइट ना 2013 में बनी है और इनका कॉन्सेप्ट ही यही था कहीं ना कहीं। इसके अंदर अगर हम देखेंगे, नीचे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो सिर्फ स्किप लैग्ड रेट, यहाँ पे लॉस एंजलिस से फिलाडेल्फिया, इन्होंने स्पेशली ऐसे रेट्स निकाले हुए हैं, मतलब इनका AI एक तरीके से इनका एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है। अब मैं आपको इसमें से एक निकाल के दिखाता हूँ, जैसे ये लॉस एंजलिस टू फिलाडेल्फिया है। अब लॉस एंजलिस टू फिलाडेल्फिया की अगर आप फ्लाइट देखोगे तो यहां पर आप ध्यान से देखना इसको, यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं, ये दिखा रहा है लॉस एंजलिस 5:50 PM फ्लाइट विल डिपार्ट, यहां से ये जा रहा है शिकागो, शिकागो से ये जा रहा है फिलाडेल्फिया, राइट, और उसके बाद इसकी फ्लाइट आगे भी जा रही है, मगर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप यहीं उतर जाओ ना, आपको आगे जाने की क्या जरूरत है। अगर हम और नीचे आए यहाँ पे, इफ़ यू सी, लेट्स गो बैक टू अनदर ऑप्शन, लेट्स टेक अटलांटा, लॉस एंजलिस टू अटलांटा, $130 स्किप लेग्ड, लेट्स सी व्हाट दे हैव हियर। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपकी फ्लाइट जा रही है लॉस एंजलिस से अटलांटा,
और अटलांटा के बाद ये फ्लाइट आगे जा रही है अटलांटा से डैलस फोर्ट वर्थ DFW। ये कह रहा है कि आगे जाने की जरूरत नहीं है, काट दिया इसने उसको, इसने बोला आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये टोटल फ्लाइट जो है आपको 130 यूरो की पड़ रही है, तो आप क्यों ये फ्लाइट लो ना सीधा, आपको आप ये वाली फ्लाइट लो यहाँ से उधर जाओ और चले जाओ, आपको बाद वाली फ्लाइट लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड दिस इज हाउ दे आर सेविंग पीपल्स मनी। एंड इनके ऊपर केस भी हुआ था, केस होने के बाद कुछ मेरे ख्याल से इनको कोर्ट ने यू नो रिलीज कर दिया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। आई हैव नो डिटेल ऑफ द केस राइट नाउ, लेकिन नहीं कुछ हुआ होगा इसीलिए आज भी जो है इसको आराम से बेच पा रहे हैं। सो इफ यू सी दिस इज व्हाट दे हैव फॉर यू, दिस इज हाउ यू कैन गेट अ सिंपल इजी एंड चीप फ्लाइट। और आप अगर ट्रैवल एजेंट हो, बिकॉज हमारी जो कम्युनिटी है, हम जितने भी लोग हैं हम सारे के सारे या तो बहुत यू नो प्रॉस्पेरस है ट्रैवल एजेंसी के अंदर, मतलब अपनी अपनी इंडस्ट्री के अंदर, या फिर हम होने वाले हैं, वी आर यू नो एस्पायरिंग ट्रैवल एजेंट्स और वर्किंग इन एयरलाइंस। सो अगर आप भी सस्ता फेयर निकालना चाहते हो तो एक तरीका ये भी है, मतलब सीट तोड़ना और वो सब करना, हो सकता है फ्यूचर में कभी उसके बारे में बात करें, लेकिन ये जो चीज़ है दिस इज समथिंग जो आपके जो यू नो पैसेंजर है उसको एक एक्स्ट्रा रिलीफ देगी। लेकिन इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इनफैक्ट दो प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों प्रॉब्लम्स आपको अपने पैसेंजर को बतानी पड़ेगी बिफोर दिस पर्सन टेक्स दिस फ्लाइट। ये बहुत ज़रूरी है, आपको बताना पड़ेगा उसको, नहीं तो अगर ये दोनों चीज़ें मतलब एप्लीकेबल नहीं है तो फिर तो आप कह सकते हो कि वो ये फ्लाइट नहीं ले सकता। पहली चीज़ ये कि यहाँ पे जो मैं आपको फ्लाइट बता रहा हूँ, इस फ्लाइट में आप चेक इन लगेज नहीं लेके जा सकते, चाहे इसमें तो वैसे ज़ीरो बैगेज है, ज़ीरो पीस लिखा है, लेकिन अगर पीस हो भी तो भी आप नहीं लेके जा सकते, इट इज़ नॉट अलाउड। और इसका रीजन ये है कि देखो ये थ्रू टिकट है, हमने जो प्राइजिंग सेक्टर किया था, एक हमने सेशन किया था प्राइजिंग के ऊपर, उसके अंदर हमने सेक्टर प्राइजिंग और थ्रू प्राइजिंग भी किया था, हमने वहां सीखा था कि थ्रू प्राइजिंग जो होती है उसमें एक ही टिकट पे सारे सेक्टर आते हैं। अब अगर आपके पास बैगेज है यहां पे तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो बैगेज जो चेक्ड बैगेज है, मतलब एक तो कैरी ऑन होता है जो अपने साथ लेके जाते हो तो वो लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जो चेक्ड लगेज है जो आपके साथ अंदर नहीं जाएगा वो नीचे जाएगा, मतलब वो कार्गो में जाएगा अलग से। अब अगर वो चेक्ड लगेज गया वहां पे तो वो आपको लॉस एंजलिस में बैठने के बाद न्यूयॉर्क में मिलेगा, शार्लेट में नहीं मिलेगा। और अगर वो शार्लेट में आपको नहीं मिला, इसका मतलब आप तो शार्लेट से बाहर निकल के जा रहे हो और आपको वो आपका बैगेज सीधा न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, तो आपको न्यूयॉर्क में कोई है ही नहीं वहां पे, तो कौन लेगा उस बैगेज को, तो वो बैगेज गया। इसीलिए क्योंकि वो थ्रू टिकट है तो आपका बैगेज हमेशा डेस्टिनेशन पे ही मिलता है, इसीलिए आप जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे पहली प्रॉब्लम ये है कि आप यू कैन नॉट कैरी चेकड इन लगेज, कैन नॉट कैरी चेकड इन लगेज। मगर अच्छी बात यह है कि आप जो है कैरी ऑन लेके जा सकते हो, और अगर एक तरीके से यूएस की डोमेस्टिक फ्लाइट है तो डोमेस्टिक के अंदर इतना हमको बैगेज की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि कैरी ऑन में भी 7-8 किलो आप कैरी कर सकते हो, प्लस लैपटॉप बैग भी कैरी कर सकते हो। तो अगर ये बिजनेस ट्रिप है, शॉर्ट ट्रिप है, सो इट इज़ कम्प्लीटली फाइन, एल्स देर मस्ट बी अदर वेज टू यू नो ट्रांसफर योर बैगेज इफ़ इट इज़ चीपर। दूसरी चीज़, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि, और ये भी एक कंडीशन है इसके अंदर कि आप जो है अगर आपकी ये राउंड ट्रिप है, वैसे तो ये राउंड ट्रिप नहीं होगी, ये वन वे है, लेकिन आप इसमें राउंड ट्रिप नहीं बना सकते, यू कैन नॉट हैव अ राउंड ट्रिप, आप बनाते हो उसका फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें राउंड ट्रिप हुई तो आप जब गए हो यहां से, व्हेन यू हैव गॉन, एयरलाइन बोलेगी कि आपने ये वाली फ्लाइट तो आपकी फ्लोन आ रही है टिकट पे, लॉस एंजलिस से शार्लेट फ्लोन आ रही है, लेकिन शार्लेट से न्यूयॉर्क जो है वो आपकी फ्लाइट अभी भी ओपन है, इसका मतलब वहाँ पे आप नोशो हो गए, इसका मतलब आप निकल गए। और अगर आपकी बीच में कोई भी फ्लाइट अगर जो है वो बंद हो गई, मतलब वो नोशो हो गई या फिर वो ओपन ही है अभी भी, तो इसका मतलब ये है कि एयरलाइंस आपकी रिटर्न फ्लाइट भी कैंसिल कर देगी, आपकी टिकट सस्पेंड कर देगी वो, तो आप वापस भी नहीं आ सकते उसके अंदर। तो इसीलिए ये वाली जो फ्लाइट्स हैं ये वन वे ही हो सकती हैं, राउंड ट्रिप नहीं हो सकती, और यहाँ पर आप चेक्ड लगेज नहीं लेके जा सकते। थोड़ी सी कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आप पैसेंजर को समझाते हो तो बहुत सारे पैसेंजर हैं वो आर ओके विद दिस, दे डोंट माइंड। और यू कैन सी देयर इज दिस एंटायर वेबसाइट व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट, सो यू कैन ऑलवेज यू नो ट्राई दिस इफ पॉसिबल।
और अगर जो है ऐसा कुछ फेयर मिल जाता है और पैसेंजर तैयार हो जाता है तो इट्स कूल, बिकॉज यू सी यहाँ पर हमने एक रैंडम सी फ्लाइट ली. अब अगर यहाँ पर हम कोई और सिटी लेते, बिकॉज आई हैव नॉट सीन कि लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क से सस्ता और भी कहीं पे हो सकता है क्या, तो क्या पता हम कुछ और डालें तो और सस्ता आ जाए. तो आप कुछ भी और ट्राई कर सकते हो सकता है कि $150 सस्ता आ जाए, सो यू कैन ट्राई दैट टू. बट आपको ध्यान रखना है कि वो उस सिटी से होकर के जाए, वाया उस सिटी से होकर के जाए. और जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आपको ये समझ आया तो सीट को तोड़ते कैसे हैं, हैक कैसे करते हैं, वो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है. राइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. टेलीग्राम का चैनल अगर आपने लाइक नहीं किया है, मतलब ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उसको ज्वाइन कर लो. वहाँ पर हम जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सक्लूसिव ट्रैवल अकेडमी के, वो सब वहाँ पर डाल रहे हैं. साथ साथ हम लोग जो है जो वीडियोज़ आती हैं उसकी अपडेट भी वहाँ पर करते रहते हैं. और जियोग्राफी का क्विज रोज़ चल रहा है, और आई सी दैट द कम्युनिटी इज़ गेटिंग बेटर इन ट्रैवल. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एंडेवर्स, एंड थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you so much for liking this video, and thank you so much for subscribing to the channel. I'll see you in the next video. Bye bye.